सलाम और जय हिंद साथियों, मैं शीराज खान, आप सभी जानते हैं, बहुत ही सोच समझकर मजबूर होकर हमें इस इश्यू के ऊपर बात करने की ज़रूरत पड़ी। एक तरफ एक खातून है और दूसरी तरफ एक ज़यीफ़ इंसान है, सीनियर सिटीज़न है। आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस तरफ इशारा कर रही हूँ। इस एक दिन की हलचल की वजह से आज जो यानी कि मीडिया में बातें आ रही है कि ये बहुत बड़ी साजिश है, कि इस खातून ने एक ऐसा ड्रामा किया है जहाँ पर खुदकशी करने का एक वीडियो वो वायरल करती है और अवेसी हॉस्पिटल जाकर वो एडमिट हो जाती है। जब इस लड़की ने 25 तारीख पिछले महीने की सोशल मीडिया पे उसके साथ हुए तशद्दुद को लेकर वो साइबर सेल में एक कंप्लेन दर्ज करती है और 11 या 12 तारीख तक पुलिस उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती है। पुलिस का यहाँ पर अहम रोल होना चाहिए था कि उस खातून के कंप्लेन को लेकर इन्वेस्टिगेट करें और जहाँ पर ये सीनियर सिटीज़न सैयद सलीम को जो बुनियादों पे अरेस्ट करना या रिमांड करने की अगर फ्रेम करने के चार्जेस अगर वहाँ पर कंटेस्ट नज़र आ रहे थे इन्वेस्टिगेशन में तो ज़रूर कर देना चाहिए। लेकिन आप देखिए कि उस खातून ने ये बताया है अपने वीडियो में कि मैं बहुत मजबूर हूँ, बहुत परेशान हूँ, घर वालों की बर्बादी में जीते जी नहीं देख सकती, क्योंकि एक शख्स से उसे बहुत ही वाहियत तरीके से उसे बदनाम कर रहा है और उसकी एक बच्ची भी है जो कल के दिन घर दूसरों के घर जाने वाली है। बहुत सारी ऐसे बातें थे तो जहाँ पर वो ज़िम्मेदार पुलिस डिपार्टमेंट को भी बताती है कि पुलिस खामोश है, उसकी शिकायत के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो मैं समझती हूँ कि आज ये जो चीज़ें हुई हैं, एक तरफ लोग कह रहे हैं कि ये साजिश है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन मैं सवाल ये करना चाहती हूँ कि नाहिदा कादरी जैसी खातून, जहाँ बेबाकी से हर शोबे में घुसकर काम करने वाली औरत, क्यों बेबस हो गई, क्यों लाचार हो गई? क्या हकीकत में वो सुसाइड करना चाहती थी? क्या इतना बड़ा जुल्म बरपा हो रहा था कि वो खुद नहीं लड़ सकती थी, या अपनी लड़ाई को वो हार चुकी थी, या क्या उनके साथ नहीं हो रहा था कि जो इस तरीके का वीडियो एक बनता है जिसके ऊपर पुलिस हरकत में आती है और जिसमें असद अवेसी एमपी साहब का भी इन्वॉल्वमेंट बताया जा रहा है कि उस ट्वीट को रीट्वीट किया गया था, जो पुलिस कमिश्नर साहब को टैग किया गया था या सोशल मीडिया पर आया था, सच्चाई क्या है हमें भी नहीं मालूम है, लेकिन MIM पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है ये बताया जा रहा है कि सलीम साहब की गिरफ्तारी में और उनके ऊपर बेबुनियाद इल्ज़ामों को फ्रेम करने के लिए। अगर हम ये देखें कि अगर एक खातून मजलूम थी तो पुलिस क्यों इनके ऊपर एक्शन नहीं ले रही थी? क्या पुलिस को वक्त नहीं था? क्या पुलिस के पास औरतों के लिए यानी कि इंसाफ के लिए आई गई मजलूमा के लिए उनके पास वक्त नहीं है? क्यों साइबर सेल वाले इतने खामोश हो जाते हैं कि साइबर सेल पे जो भी यानी कि साइबर क्राइम्स के तहत अगर लोग आते हैं तो उनके लिए और मज़ीद तेज़ी से कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि सोशल मीडिया पे हज़ारों लोग इसको देखते हैं। ज़ाहिर सी बात है कि जो कोई भी इसमें यानी कि मुतासरीन होता है वो काफ़ी हद तक यानी कि अपनी रेस्पेक्ट को लेकर, अपनी डिग्निटी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होता है। 25 तारीख को गया हुआ कंप्लेन के ऊपर पुलिस एक्शन नहीं लेती है, पुलिस खामोश रहने की वजह से और ये सैयद सलीम नामी शख्स को वजूहात बनाते हुए ये सुसाइड करने का एक वीडियो भेजती है जिसके ऊपर पुलिस हरकत में आती है और चंदन गुट्टे पुलिस दबीरपुरा पहुंचकर सैयद सलीम सामाजिक कारकुन के घर जाती है और वहां पर निकालती है। तो वहां का जो मंज़र आप सभी ने देखा है कि MIM के लोग, कुछ लोकल कॉपरेटर्स लोग, सारे लोग मिलकर इतनी वाहियत गालियों से उस इंसान को नवाजते हैं और महसूस ये हो रहा था कि अगर उन्हें अगर सलीम समाजी साहब अगर उनके हाथ लग जाते तो शायद लिंचिंग हो जाती और लिंचिंग में सलीम सैयद सलीम के साथ कुछ भी हो सकता था। पुलिस के मौजूदगी में इतना दहशाना माहौल वहाँ पर होता है कि पुलिस भी बेबस हो जाती है और पुलिस लोगों को कंट्रोल नहीं कर पाती है।
दूसरी तरफ जब उनको रिमांड के लिए भी लेकर जाता है चंदन गुट्टा पुलिस स्टेशन में, तो हम क्या देखते हैं कि भारी बंदोबस्त, पुलिस का बंदोबस्त ऐसा होता है कि 15 से 20 पुलिस वाले बहुत ही सेफ्टी के साथ, सिक्योरिटी के साथ सैयद सलीम को गाड़ी में बिठाते हैं और MIM के लोगों से बचाते हुए उस गाड़ी को, यानी कि बाहर निकलते हुए रिमांड की कार्रवाई को अंजाम देते हैं। तो अगर हम जायज़ा लें कि ओल्ड सिटी में हो क्या रहा है, क्या पुलिस MIM के कब्ज़े में है या पुलिस को MIM का पार्टी का डर है, असद अवैसी और अकबर अवैसी का या उनके कॉपरेटर्स का डर है, या नहीं तो वहाँ की जहालत से पुलिस डरी हुई है, सवाल बहुत उठता है। लिहाजा मैं अंजनी कुमार साहब से और DGP साहब से हाईली रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसे मामलात को आप बिल्कुल भी लापरवाही से ना ले, क्योंकि आज पुलिस खामोश रहने से ये वाक्या पेश आया है। उस औरत का यही कहना है, और जहाँ पर दूसरी तरफ जब आपके इन्वेस्टिगेशन में ये सारी चीज़ें खुल कर आती है, तो हम तभी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हकीकत क्या है, सच कौन है और झूठ कौन कह रहा था, और कौन किसके खिलाफ़ ये साजिश रचा था, कौन किससे बदला ले रहा था। क्योंकि सैयद सलीम नामी शख्स MIM पार्टी में पिछले 20 साल काम कर चुके या 30 साल काम करके वो पार्टी छोड़ चुके थे, और नाहिदा कादरी को MIM की मेंबर बताया जा रहा है। ये सारी की सारी साजिश रची गई है, यही चीज़ें बाहर आ रही है। तो हम ये चाहते हैं कि इंसाफ यकीनन होना चाहिए, पुलिस को सख्त कार्रवाई करना चाहिए, जो मजलूम है उसका साथ दे और जो मुजरिम है उसको सलाखों के पीछे डाले। अगर इस पे कोई बेबुनियाद बातें निकल के आती है तो पुलिस वहीं पर दोबारा तरीके से इसको इन्वेस्टिगेट करे और हकायक की बुनियाद के ऊपर कार्रवाई को अंजाम दे। एक आखिरी मैसेज मैं ये देना चाहूँगी कि नाहिदा कादरी जैसी शख्सियत या खातून जो बेबाक है, जो ब्रेव या बोल्ड मानी जाती है, वो सुसाइड का इकदाम कर आज के समाज में हैदराबाद में एक ऐसा मैसेज छोड़ जाती है कि बहुत ही नाकाबिले बर्दाश्त थे। क्योंकि आज तशद्दुद या घरों के जो मामला थे, घरेलू जो मसाइल है, उसके ऊपर शायद और मज़ीद आगे ऐसे इकदाम हमारी ख़वातीन, माएँ, बहनें ना उठाएं, क्योंकि पुलिस सख्त कार्रवाई के लिए ही महकमे इदारे कायम करिए। लिहाजा हमें चाहिए कि पुलिस के ऊपर सख्ती से पेश आए। अगर हमारे साथ पुलिस सीधा या सच्चा या सही बर्ताव नहीं कर सकती है। जय हिंद।